समीर एक छोटे से गांव में रहता था। उसे रात में घूमने का शौक था और गांव के आसपास के सभी रास्तों और जगहों के बारे में उसे अच्छी जानकारी थी। एक रात जब वो गांव के पास के जंगल से गुजर रहा था तो उसने एक अजीब सी रोशनी देखी। वो रोशनी एक पुराने सूखे बरगद के पेड़ के पास से आ रही थी। उस पेड़ के बारे में लोगों का कहना था कि वहां कोई भूत रहता है, पर समीर को इन बातों पर कभी यकीन नहीं था। जिज्ञासा के चलते समीर धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो करीब गया, उसे ऐसा लगा कि कोई उसकी ओर देख रहा है। पेड़ के पास पहुंचकर उसने देखा कि जमीन पर एक लाल रंग का दुपट्टा पड़ा था और वहां से हल्की हल्की सी बुदबुदाने की आवाजें आ रही थी। समीर ने डरते हुए आवाज लगाई, कोई है क्या? जवाब में अचानक से पेड़ की एक शाखा हिलने लगी, जैसे कोई उस पर बैठा हो। समीर ने टॉर्च जलाकर देखा तो उसकी टॉर्च की रोशनी में एक परछाई दिखाई दी जो तेजी से पेड़ के दूसरी ओर चली गई। समीर के रोंगटे खड़े हो गए, पर वो अब वापस मुड़ने का सोच ही रहा था कि तभी उसे एक सिसकियों की आवाज सुनाई दी। उसने फिर से आवाज लगाई, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? इस पर किसी की धीमी दर्द भरी आवाज आई, समीर, मेरी मदद करो, मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। समीर डर गया। वो सोच में पड़ गया कि उस अजनबी को उसका नाम कैसे पता था। वो घबरा कर पीछे हटने लगा, पर तभी उसके पैर के नीचे कुछ चटने की आवाज आई। उसने नीचे देखा तो वहाँ एक पुराना टूटा हुआ कड़ा पड़ा था जो धूल और मिट्टी से सना था। उस कड़े को देख कर समीर को याद आया कि उसकी दादी कहा करती थी कि बरगद के पेड़ के पास एक औरत की आत्मा भटकती है और वो अपने खोए हुए गहनों को ढूंढ रही है। समीर ने धीरे धीरे उस कड़े को उठाया और चारों ओर देखा, तभी वो आवाज फिर से गूंज उठी, मुझे ये कड़ा वापस दे दो, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। डर के मारे समीर ने वो कड़ा जमीन पर फेंक दिया और पीछे हटने लगा। तभी अचानक पेड़ के नीचे से एक धुंधली परछाई प्रकट हुई और उस कड़े की तरफ बढ़ी। समीर की हिम्मत जवाब देने लगी, पर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की वो परछाई हवा में घुलने लगी और फिर पूरी तरह से गायब हो गई। समीर हांफते हुए घर पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। उस रात के बाद उसने कभी भी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन कहते हैं कि जो भी उस बरगद के पेड़ के पास से गुजरता है उसे आज भी उस औरत की सिसकियां और समीर का नाम पुकारती हुई आवाज सुनाई देती है।